भारत के सभी राज्यों की खबर, खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं दिव्या, आप देख रहे हैं SNS टीवी। वाराणसी जिले में ACDP महिला अपराध ममता रानी से महिला सुरक्षा अधिनियम को लेकर हुए खबर SNS टीवी की खास बातचीत। बिल्कुल, आपके पास कुछ नए मामले आ रहे हैं, किस तरीके के मामले ज्यादातर आ रहे हैं? महिलाओं से संबंधित नए मामले, क्या मामले जो समस्याएं सामाजिक समस्याओं के रूप में विद्यमान है, घरेलू हिंसा को लेकर के वैवाहिक विवाद है, और ज्यादातर मैटर तो आपके वैवाहिक विवाद से संबंधित ही है, जिसमें महिलाओं को पत्नी और बच्चों के साथ खान खर्चा न दिया जाना, मारना पीटना, दहेज उत्पीड़न आदि को लेकर के है। इसके अलावा इसमें अगर देखें तो ज्यादातर अवैध संबंधों को लेकर, पति के कहीं अन्यत्र एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर के पति ज्यादा पीड़ित है, ऐसे प्रकरण प्रायः जनसुनवाई में आ रहे हैं। हाँ, ये नई चीज है हमारे यहाँ, क्योंकि अभी तक जो IPC CRPC थे वो अब चेंज हो गए हैं और भारतीय सामाजिक परिवेश में नए कानून बन चुका है। IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तीनों ही नए तरीके से बनाए गए हैं। उसमें जो वर्तमान में हमारे सामाजिक समस्याएं महिलाओं के साथ चल रही हैं, वो सारी समस्याओं को उसमें समेटा गया है नई धाराओं में, नए दंड के साथ, और प्रक्रिया भी उसमें हर तरीके से, आज इलेक्ट्रॉनिक युग का समय है, इस तरीके से उसकी प्रक्रिया में भी न्याय में तेजी से सुधार हो, न्यायालय के लिए भी तमाम बदलाव किए गए हैं। बिल्कुल, देखा जाए तो मैं ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे थाने हैं, वहाँ पे भी जो महिला पीट आरक्षी गाँव का जा रही है, उसका मकसद क्या है, किस तरीके से प्रभावित? हाँ, मिशन शक्ति अभियान के तहत ही, चूंकि हर एक महिला तक पहुँचना हमारा लक्ष्य है, किसी की भी कोई समस्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश बहुत दूरी होने के नाते महिलाएं आ नहीं सकती, न थाने पहुंच पाती हैं, न कोई इतना संसाधन है अगर उनके पास कि वो थाने तक जा सके, तो इसके लिए हर थाने पर महिला बीट आरक्षी बनाया गया है। उनके लिए एक पर्टिकुलर गांव का बीट बना दिया गया, बीट जिसमें गाँव है, दो या तीन गाँव मिलाकर के एक बीट बनता है, जहाँ वो महिलाएं अपने बीट में सप्ताह में दो दिन जाने का आदेश है कि दो दिन वो जाएं, गांव में महिलाओं से मिले, चौपाल करें, बातें करें, उनकी समस्याएं सुने, न केवल समस्याएं सुने बल्कि क्या उनके अधिकार है और सम्मान की रक्षा के लिए जो कानून बने हैं उससे परिचय कराएं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश शासन की या केंद्र सरकार की क्या योजनाएं हैं जिससे वे लाभान्वित हो सकती हैं आर्थिक रूप से, स्वास्थ्य के दृष्टिगत या शिक्षा के दृष्टिगत, उसकी भी जानकारी देती हैं। आप बिल्कुल, जो भी महिलाएं, आज का दौर बदल चुका है, आप बिल्कुल भी भयभीत ना हो, कानून हर एक उन समस्याओं को जो आप समाज में देख रही हैं या घर के अंदर हो रही है, घर के अंदर कोई समस्या आपको महसूस हो रहा है या आप कहीं कार्य कर रहे हैं, तो घर के अंदर अगर कोई आपराधिक कृत्य हो रहा है, कोई अन्याय हो रहा है, कोई क्रूरता प्रताड़ना, चाहे वह मानसिक हो, शारीरिक हो, भावनात्मक हो या फिर यौनिक अर्थात लैंगिक अपराध हो, सेक्सुअल ऑफेंस हो, उसके लिए भी कानून बन चुका है। घरेलू हिंसा अधिनियम एक विशेष अधिनियम है जो सिविल नेचर का है और कोर्ट में आप सीधा इसमें जा करके अपने लिए रिलीफ पा सकते हैं। इसके अलावा कार्यस्थल पर भी अगर आपको सेक्सुअल ऑफेंस का कहीं कोई ऐसा फीलिंग आती है या समस्या महसूस होती है, आप बताने से कतरा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं कि कहाँ जाके अपील कर रहे हैं, तो उसी संस्था में, जिस भी संस्था में महिलाएं काम कर रही हैं, 10 महिलाओं से अधिक अगर महिलाएं वहाँ कार्यरत हैं, तो वहाँ पे एक ICC कमेटी बनाए जाने की है जो आंतरिक शिकायत समिति कहलाती है, और वो आपका वही उसी संस्था के अंतर्गत ही उसमें जाँच कर समाधान किए जाने की व्यवस्था की गई है। ये पॉश एक्ट कहा जाता है, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013। इसके अलावा बच्चों को लेकर के जैसे है बाल श्रम, भी निरंतर जागरूकता फैलाई जा रही है और अभियान चलाए जा रहे हैं और कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जिसमें काफी हद तक सफलता मिली है,
और कहीं भी अब प्रायः सुनने में नहीं आता बाल विवाह आदि के तथ्य, लेकिन जहां भी संज्ञान में वहां कानूनी कार्यवाही की गई है। और महिलाओं से मेरा यही कहना है कि ग्रामीण अंचल की महिलाएं अपने अगर कोई अन्य बात होती है तो आप नियरेस्ट अपने थाने पे जा करके अपनी समस्या कह सकते हैं। वहां पे महिला हेल्प डेस्क की व्यवस्था है, आप अपनी समस्याएं सीधे महिला पुलिस अधिकारी से कर सकती हैं और वो आपकी समस्याओं को सुनेंगी और उसको लेखबद्ध भी करेंगी और जो नियमतः उस पर कार्यवाही है, कानूनी कार्यवाही है या जो प्रभावी कार्यवाही आपकी समस्या समाधान के दृष्टिगत आवश्यक है वो करेंगे। धन्यवाद।